नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। एक बहुत शानदार इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप 2023 बैच के हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सिस्को ने इंटर्नशिप निकाली है भाई, वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज। आपको पैकेज दिख रहा होगा, जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो तो टिपिकली 6.47 लाख टू 7.63 लाख का आपको पैकेज मिल रहा होता है एज ए इंटर्नशिप। और अगर इंटर्नशिप में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आफ्टर इंटर्नशिप आपको 13.2 लाख का पैकेज एज अ फ्रेशर मिल रहा होता है, राइट? तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी। अगर आप 2023 बैच के नहीं हो तो माफी चाहता हूँ, आप इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि जिनको जरूरत है उन तक पहुंच जाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके बैच के लिए जब भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए भाई, क्या जॉब रोल होने वाला है भाई, टेक्निकल कंसल्टिंग इंजीनियर की इंटर्नशिप के लिए जॉब रोल होने वाला है भाई। बैचलर्स डिग्री आपने किसी भी टेक्निकल फील्ड में करी हो, चाहे वो आपने बीटेक करी हो, बीई करी हो, बीसीए करी हो, कोई भी बैचलर्स डिग्री आपने कर रखी हो, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इसके लिए। 2023 बैच के ही बच्चे एलिजिबल हैं भाई, उसमें भी कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस ही एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एंड सिमिलर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी एलिजिबल है एंड सिमिलर। कुल मिलाकर के अगर मैं समराइज करूं तो आपने किसी भी टेक्निकल फील्ड में बैचलर डिग्री की होनी चाहिए और कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल या नेटवर्किंग रिलेटेड आपकी कोई ब्रांच यहां पर होनी चाहिए भाई। कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं, अगर 60% से कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी बैकलॉग क्राइटेरिया नहीं, अगर आपका बैकलॉग भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ईयर गैप क्राइटेरिया नहीं है, अगर आपका 2 साल से ज्यादा का, 3 साल से ज्यादा का भी ईयर गैप है एजुकेशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो भाई। बस केवल एक चीज देखना है भाई, इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए भाई। उसके अलावा यू शुड बी पैशनेट अबाउट नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। भाई कंप्यूटर साइंस और नेटवर्किंग के बारे में आप पैशनेट होना चाहिए। बेसिकली नेटवर्किंग बेस्ड कंपनी है सिस्को, ठीक है? उसके अलावा कुछ चीजें हैं, प्रेफर्ड स्किल, कंपलसरी स्किल नहीं है, प्रेफर्ड स्किल है। अगर आपको ये स्किल्स आपके पास हैं तो अच्छी बात है भाई। तो आपको एडजेसेंट टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होनी चाहिए, यानी नेटवर्किंग रिलेटेड टेक्नोलॉजीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस, आईटी रिलेटेड जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास सिस्को के कोई भी सर्टिफिकेशन है, सीसीएनए, सीसीएनपी या कोई भी इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है अगर आपके पास, तो दैट इज एडिशनल बेनिफिट, है ना? नॉलेज गेट का भी सर्टिफिकेट है तो दैट इज एडिशनल बेनिफिट। तो आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन है और आपकी टेक्नोलॉजीज में आपकी कोई भी नॉलेज है सिस्को के सर्टिफिकेशन से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं भाई। उसके अलावा ये सब तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटी टू मल्टीटास्क कर होना चाहिए, ये सब नॉर्मल होती है भाई। जॉब लोकेशन आपकी बैंगलोर होने वाली है। लास्ट डेट अप्लाई करने की अभी मेंशन नहीं है, लेकिन अभी ही जॉब जो है वो ओपन हुई है, तो मेक श्योर जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, क्लोज होने के पहले अप्लाई कर दें। पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम की डेट क्या होने वाली है उसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है, तो पहले से प्रिपेयर रहें, कभी भी डेट आ सकती है। एग्जाम का क्या प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में भी कोई मेंशन नहीं है, लेकिन टिपिकली जो सिस्को हायरिंग होती है भाई, इसमें आपको 50 MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनको आपको 70 मिनट्स में आंसर करने होते हैं। ये जो 50 MCQs हैं, इसमें 20 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी वाले पार्ट से आते हैं, तो 20 क्वेश्चंस जो है वो उनको 30 मिनट में आपको आंसर करना होता है। एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी वाले पार्ट से आते हैं, और 30 टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं जिनको 40 मिनट में आपको आंसर बेसिकली यहां पर करना होता है, राइट? तो ये जो एग्जाम पैटर्न है सिस्को के हायरिंग एग्जाम का है, इंटर्नशिप का एज सच कोई एग्जाम पैटर्न नहीं हो सकता है। डायरेक्टली आपको इंटरव्यू डायरेक्टली ले लें, कोई आपका एग्जाम ना ले, तो नथिंग इज डिक्लेयर्ड अबाउट इट। लेकिन जो सिस्को का टिपिकल एग्जाम होता है उसका ये एग्जाम पैटर्न होता है, तो मेक श्योर हो सकता है इंटर्नशिप में भी इसको रिपीट करें, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर जो है वो कर सकते हैं भाई, ठीक है? अब जल्दी से मैं आपको अप्लाई लिंक बता देता हूं भाई। आपके सामने ये अप्लाई लिंक है, इस अप्लाई लिंक पर आप क्लिक करेंगे भाई, देखिए टेक्निकल कंसल्टिंग इंजीनियर इंटर्न की पोस्ट खुल जाएगी। पूरी डिटेल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा भाई, क्या क्या काम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई, है ना, वो एक बार पढ़ लीजिए। बाकी वो सब चीजें आपको सिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सिस्को क्यों ज्वाइन करना है वो सब भी मैं आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो इस पेज पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है भाई। अप्लाई पर क्लिक करके पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा,
बिफोर दैट एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप प्लेसमेंट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स चेक कर सकते हैं। एक ही कोर्स में आपको सब कुछ मिलने वाला है, प्लेसमेंट के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है भाई, वो सब मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा भी मैं। टेलीग्राम सपोर्ट है, 100% प्लेसमेंट गारंटीड कोर्स है, इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स होने वाला है। वीडियो के एंड में आपको कोर्स की पूरी डिटेल जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक आपको मिल जाएगी। तो भाई अपन आ गए अप्लाई लिंक पर, अप्लाई लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी भाई। इस पर आपको न्यू यूज़र पे जाना है भाई, न्यू यूज़र पे जाइए आप, यू नो ईमेल आईडी बना लीजिए भाई, मतलब ईमेल आईडी जो भी है आपकी वो डाल दीजिएगा। राइट, अपन ने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, रजिस्टर नाउ पर क्लिक किया। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे आपसे आपका रिज्यूम अपलोड करने के लिए बोलेगा। आप लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हो भाई, दैट कैन ऑल्सो बी टेकन, है ना। मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ फिलहाल रिज्यूमे के लिए, तो आई विल अपलोड हेयर मेरा, मैं रिज्यूमे जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में बच्चा अपलोड कीजिएगा। अपन ने अपलोड कर दिया, फिर ये देखो यहाँ पर दिखने लगा, मैंने अपलोड कर दिया, नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया। राइट, जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो रेज्यूमे से ही काफ़ी सारी डिटेल जो है वो आपकी ऑलरेडी एंटर्ड हो जाएंगी। तो जस्ट अ सेकंड, इसको पूरा लोड हो जाने देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेलेक्ट अ सैल्यूटेशन, अगर आप मेल हो तो मिस्टर भरिए या मिसेस, जो भी आपको भरना है वो भर दीजिए। देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसने रेज्यूमे से ही ले लिया। ईमेल एड्रेस जो है वो, क्योंकि मैंने अलग डाला था रेज्यूमे में, यहाँ अलग कर देता हूँ। आप चेंजेस भी कर सकते हैं इसमें, है ना, एक बार चेक कर सकते हैं। फ़ोन टाइप भाई, प्राइमरी फ़ोन विल बी अ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। नंबर मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, दूसरा नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, ये डाल दिया। ये टोटल 10 डिजिट्स है, मैंने रैंडमली बेटा कोई भी नंबर डाला है, कृपया करके इस पर फ़ोन ना लगाएं, ठीक है। सेकेंडरी फ़ोन डालना हो तो डाल सकते हो, एडिशनल फ़ोन अच्छी बात है। कैन वी कॉन्टेक्ट यू वाया SMS टू योर मोबाइल फ़ोन, अगर आपको डालना है तो एक और फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। कैन वी कॉन्टेक्ट यू वाया SMS टू योर मोबाइल फ़ोन, येस यू कैन कॉन्टेक्ट अस। एड्रेस वगैरह उसने रेज्यूमे से ऑलरेडी ले लिया है, प्रोविंस यानी आपको स्टेट डालना है। राइट, तो अपन ने यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस डाला, किस कंट्री से हो, क्या स्टेट है, क्या सिटी टाउन होने वाला है, क्या पोस्टल कोड होने वाला है, ये सब हो गया। आर यू लुकिंग फॉर अ इंटर्नशिप और न्यू रीसेंट ग्रेजुएट लेवल जॉब, येस आई एम लुकिंग फॉर इट, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, नहीं ये ऑप्शनल है, बट आप चाहें तो इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिल कर रहे हैं, इनफैक्ट करना भी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या क्या सिलेक्ट करना चाहिए आपको। आपको नेटवर्क इंजीनियर सिलेक्ट कर देना चाहिए, माफ़ कीजिएगा ये हार्डवेयर इंजीनियर भी सिलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। आपको नेटवर्क इंजीनियर सिलेक्ट करना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिलेक्ट करना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना चाहिए, उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस, अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल सपोर्ट एंड यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, भाई ये सब चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हो। चाहो तो आप और भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो भाई। फिर हाईएस्ट डिग्री और ऑप्टेंड भाई, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए क्योंकि एलिजिबल ही बैचलर्स डिग्री है, उस पर क्लिक करेंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भाई आप अपने कॉलेज का नाम टाइप करना स्टार्ट कीजिएगा। राइट, अगर आपको मिल गया अपना कॉलेज, जैसे कि मुझे अपना कॉलेज मिल गया, तो सिलेक्ट कर लीजिए कॉलेज। अगर नहीं मिलता है तो इसमें अदर्स का ऑप्शन है नॉट लिस्टेड, इस पर क्लिक करके आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ठीक है। बट क्योंकि मेरा ऑलरेडी था अवेलेबल तो मैं इसको सर्च कर लूँगा, ठीक है। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद ग्रेजुएशन डेट, मेजर में ऑलरेडी वो इंजीनियरिंग उसने मेरे रेज्यूमे से ले लिया, आप डाल भी सकते हैं भाई। यहाँ पर बस ये देख लीजिए आप कौन से इंजीनियर हो, है ना, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो तो हमने कंप्यूटर साइंसेस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग पर भी क्लिक कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंप्यूटर साइंसेस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर दो, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि हम एक इंजीनियर है। राइट, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। डेटा साइंस का भी ऑप्शन है बच्चा, बहुत सारे, इलेक्ट्रिकल का भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फिल कर दीजिए, ग्रेजुएशन डेट या कंप्यूटर साइंस अपनी ब्रांच है, चलो वो फिल कर दिया, है ना, बट आई थिंक इंजीनियरिंग से ज़्यादा रिलेटेबल है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी हो तो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही फिल कर दो, बाकी उससे एज सच टू बी ऑनेस्ट फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई आपसे पूछा है ग्रेजुएशन या एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट, भाई 2023 में हम ग्रेजुएट होंगे, तो हम 2023 पास आउट के लिए है, क्योंकि तो 2023 में लेट अस सपोज 31 अप्रैल डाल सकते हो, बिकॉज जब तक आई थिंक आपका फाइनल एग्जाम जो है वो हो जाने वाला होगा 31 अप्रैल, बेटा मार्च नहीं, ये अप्रैल, ठीक है। 30th ऑफ अप्रैल आप डाल सकते हो, अप्रैल में 31 दिन नहीं होते हैं, 30th ऑफ अप्रैल हमने डाल दिया। चूज द एकेडमिक परफॉर्मेंस और ग्रेडिंग
पॉइंट सिस्टम एज योर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में परसेंटेज यूज होता है या CGPA यूज होता है वो डाल दिया, तो ग्रेड पॉइंट एवरेज कितना है, एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका एग्रीगेट CGPA अभी तक का कितना है वो डाल दिया, जहां तक का आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, मान लो फिफ्थ सेमेस्टर तक का अनाउंस हो चुका है तो उतना डाल दो, सिक्स तक का अनाउंस हो चुका है तो उतने का एग्रीगेट डाल दो। मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल भाई, अगर आपने कहीं और इंटर्नशिप कर रखी है तो उसकी डिटेल डाल सकते हैं भाई, है ना, कंपनी का नाम और यहाँ पर जॉब टाइटल, बट क्योंकि मैंने नहीं कर रखी तो मैं यहाँ पर फ्रेशर डाल दूंगा। हैव यू बीन इश्यूड अ सिस्को एम्प्लॉय ID? नहीं भाई, कभी नहीं, है ना। उसके बाद सर्टिफिकेशंस, देखिए यहाँ पर आप चाहें अगर सिस्को का आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है इनमें से तो आप मेंशन कर सकते हो, बट क्योंकि मैंने नहीं कर रखा तो मैं नहीं डालूंगा। फ्लुएंट लैंग्वेजेस में इंग्लिश में डाल दूंगा क्योंकि वो तो कंपलसरी है ही, ठीक है। हिंदी में डाल दूंगा भाई, हिंदी में दो टाइप की हिंदी आ जाएंगी, एक तो नॉर्मल हिंदी आ जाएगी, एक इंडियन हिंदी आ जाएगी, ठीक है, दोनों डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज आप लिख दो भाई, सी आती है मुझे, C++ आती है मुझे, जावा आती है मुझे, पाइथन आती है मुझे, ठीक है, उसके बाद मुझे मशीन लर्निंग आती है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, वॉट एवर इज योर स्किल, उसके बाद मुझे SQL आती है, वो लिख दीजिए। मेक श्योर जो आप लिख रहे हैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल होनी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू पे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउ डिड यू हेयर अबाउट इट, बहुत सारे ऑप्शन से कुछ भी सिलेक्ट कर दीजिए भाई, है ना। तो मैं फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ पर एक सोशल मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, सोशल मीडिया सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। एक पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिए अपने लिए, ठीक है, उसी पासवर्ड को कन्फर्म कर दीजिएगा, है ना। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक लोअर केस यानी स्मॉल लेटर, एक अपर केस यानी कैपिटल लेटर, और एक नंबर कम से कम उसमें होना ही चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक किया। अगर आपको सिस्को की तरफ से और जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं भाई, किस किस लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए चाहिए, ठीक है। उसके अलावा किस किस रोल में चाहिए, मेनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, देखो इधर भी आ गया, ठीक है। कहाँ चाहिए, कंट्री इंडिया और स्टेट फिलहाल भाई सब डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, अच्छी बात है ना। अपॉर्चुनिटी जहाँ जहाँ से आ रही है देख लेंगे, अगर नहीं पसंद आती है तो रिजेक्ट कर देंगे, कुछ नहीं जा रहा है, सारी स्टेट। और यहाँ पर वीकली और मंथली ऑप्शन है, बिल्कुल वीकली, नोटिफाई मी, एग्री एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे भाई, फिर आगे आएंगे, अगले पेज पर मूव करेंगे भाई। पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2-3 बार देखिएगा बच्चों, और उसके बाद इसमें अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। अब आपसे आपका जेंडर पूछ रहा है, ठीक है भैया बता दीजिए जो भी जेंडर है ईमानदारी से, ठीक है। फिर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, और लास्ट में आपका फाइनल सबमिशन स्टेप होगा भाई, यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, और बस अपना काम हो गया भाई। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आ जाएगा, एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड टू दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, वी एंकरेज यू टू चेक बैक फ्रीक्वेंटली एज न्यू पोजिशन, और नई पोजिशंस आती रहती हैं तो वो सब आप चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर माई जॉब्स प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया। इसके लिए आपने अप्लाई किया है भाई, इन प्रोसेस है, चाहे तो आप विदड्रॉ भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन अपनी दिखती रहेगी, तो इसको आप बुकमार्क कर लीजिएगा इस वाले पेज को, ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पर बुकमार्क कर लिया। आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल भी एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह भी रीसेट कर सकते हैं। रेज्यूमे गलती से कोई दूसरा डाल दिया तो इसको डिलीट करके दूसरी फाइल भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई। आपको ईमेल आया होगा, 2 ईमेल आए होंगे भाई। सबसे पहला ईमेल आया होगा सिस्को जॉब अकाउंट आपने क्रिएट किया है उसका आया होगा भाई, ठीक है। इधर ही वो जो हमने बुकमार्क की थी लिंक, वो लिंक आपको इधर से भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसमें इधर पर आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं और माय जॉब्स प्रोफाइल पर क्लिक करके आप इसको खोल सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा ईमेल आपको आया होगा, सिस्को यू हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है भाई, आपने अगर रेज्यूमे अपलोड नहीं किया वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर ऑलरेडी अपलोड किया है चेंज करना है वो भी कर सकते हो। वी विल यूज द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड एंड एक्सेस योर बैकग्राउंड बेस्ड ऑन द रोल रिक्वायरमेंट, इफ देयर इज पोटेंशियल मैच फॉर द पोजिशन विल कॉन्टेक्ट यू टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप। तो अगेन यहाँ पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रेज्यूम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यहाँ पर भी रेज्यूमे बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है बेटा। तो अगर एक परफेक्ट रेज्यूमे बनाना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ फ्रेशर भी, एज अ एक्सपीरियंस्ड भी, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे ना
तो आपको मेरा एक कोर्स मिलेगा रेज्यूम ट्रेनिंग बाय यश जैन सर, रेज्यूम एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन बाय यश जैन सर, इस बार आपको दिखा भी देता हूँ, इस टाइप का कोर्स मिलेगा। इसके दो बेनिफिट हैं भाई, इसमें आपको वन ऑन वन मॉक इंटरव्यू भी मिल जाता है, पर्सनली मैं आपका इंटरव्यू लूंगा और आपको फीडबैक कॉल दूंगा क्या इंप्रूव कर सकते हैं, और रेज्यूमे बिल्डिंग की भी पूरी ट्रेनिंग मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की है, सैम्पल रेज्यूमे, और मैं 9 IT कंपनीज में क्रैक किया हूँ मैंने, तो मैंने अपना पर्सनल रेज्यूम भी बताया है और पूरी इंटरव्यू की भी ट्रेनिंग यहाँ पर मैंने करा रखी है, राइट। तो एक बहुत बढ़िया कोर्स है आपके लिए, आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं भाई। उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हो सकता है ये जॉब रोल आपके लिए फिट ना हो, कोई और जो भी जॉब रोल फिट होगी, फ्यूचर ओपनिंग्स होंगी जो आपकी स्किल और एक्सपीरियंस को मैच करेंगी, तो वो डायरेक्टली आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको SMS करेंगे या मेल करेंगे या तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप लोग एक्टिव रहिएगा अपने ईमेल पर, है ना। और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा प्लेसमेंट होगा, आप कोर्स चेक कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को परचेस करेंगे तो इंटरव्यू कोर्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसके अंदर। नॉलेज गेट के सारे प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज का एक हमने बंडल बनाया हुआ है यहाँ पर, कंप्लीट एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी आपको मिलेगी, कोडिंग में C++, जावा, पाइथन, सूडो कोड, कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, SQL, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रेज्यूम इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्लस 10 मेगा IT कंपनीज के कोर्सेज, TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फिटीक्यू, हेक्सावेयर, LTI, MCAT, इन सारी कंपनीज के, और सिस्को का भी आपका प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगा। समय कम बचा है तो बाकी कोर्सेज मत देखिए, यहाँ पर 50 आवर्स का एक रिवीजन क्रैश कोर्स है, आप इसको भी देख सकते हैं, है ना। तो इसको देखने से क्या होगा, इसमें शॉर्ट टर्म में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप इसको देख सकते हैं, है ना। विदिन आपको 50 आवर्स में अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप इसको देख सकते हैं। मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शन से बच्चा, आपको 1 साल का भी ऑप्शन है, 2 साल का भी है, और 30 डेज का भी आपके पास ऑप्शन है। तो अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो 30 डेज का ले सकते हो। बाकी मेरा रिकमेंडेशन है कि 1 साल का प्लान लो, दैट विल बी बेनिफिशियल। चेंज वैलिडिटी पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। नीचे आप जाएंगे तो आप बच्चों के एक बार कोर्स के रिव्यू जरूर पढ़ लीजिएगा, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरे बच्चों के रिव्यूज मिल जाएंगे, ये तो बेटा कभी खत्म ही नहीं होने, राइट। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे हमारे प्लेस्ड हो चुके हैं, टू बी ऑनेस्ट 98% हमारा सक्सेस रेशियो है, तो नेक्स्ट लेवल आपको बेनिफिट मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक है और कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, या तो नहीं हो रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक बार आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, उन पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स के बारे में जान सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज 2023 बैच के लिए और बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।